Tom has Jerry, Nobita has Doraemon, Ash has Pikachu. You have? तेरे यार बतेरे मेरा तो जी है बस यारा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को चूज करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस वॉइस थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि थोड़ा से समा चाहता हूँ। और गाइस आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो वो वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपको उसके अंदर लिरिक्स मिल जाते हैं। अब देख सकते हैं वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करें, एडिटिंग पे क्लिक करें, फिल स्क्रीन करें, अब मीडिया पे क्लिक करें और आप जिस इमेज पे वीडियो बना रहे हो आप उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। तो जैसे कि मैं ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ और भी मेरे को जो पसंद है वो वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो जो मेरे को पसंद लगता है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इतना इंपोर्ट कर लिया। अब फोटोस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है। ये फ़ोटो को थोड़ा मुझे एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरह करके, तो एडजस्ट कर लेता हूँ। यूकेएल को ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी देख सकते हैं फोटोस अब इंपोर्ट हो चुका। अब लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक करें, सॉरी लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करें और आपको और एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को इंपोर्ट कर लें और उस वीडियो का ऑडियो को एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर लें, देन डिलीट कर दें वो वीडियो को। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर सुनकर यहाँ पर फोटो मैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो कट कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग कट कर लें। कुछ इस तरह मैं कर लेता हूँ और इधर इधर कट कर लिया और एक इधर मैं कट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह कट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये फ़ोटो सब इस पर क्लिक करना है और आपको क्लिक ग्राफिक्स पर जाना है। और गाइज अगर आपको यहाँ पर क्लिक ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा है तब आप क्या करें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बिटसिंग एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बिटसिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज प्लस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस तरह या गैलरी पे, और जो भी फोटोज़ है दो फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको कॉल मी डीजे इफेक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं कॉल मी डीजे इफेक्ट फाइंड कर लेता हूँ। इस तरह आपको स्लाइड करके फाइंड करना है कौन सा इफेक्ट, कॉल मी डीजे, तो यहाँ पर इस तरह आपको फाइंड करना है ये स्वीट लाइज 16 कॉल मी डीजे। फिर आप ये वाला इफेक्ट को काइन मास्टर को ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपका यहाँ पर आ जाता है, देन डोंट शो अगेन पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करें, इफेक्ट डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पर बैक कर लें और उसी प्रोजेक्ट को ओपन करें जो आप बनाएं। अब यहाँ पर वो प्रोजेक्ट के अंदर आप जो ये फोटो सब इस पर क्लिक करें, क्लिप ग्राफिक्स पे जाएं और आपको कॉल मी डीजे देखने को मिल जाएगा। तो 2 नंबर चूज़ कर लें और नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करें, क्लिप ग्राफिक्स पर जाएँ, कॉल मी डीजे का 3 नंबर चूज़ कर लें, नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करें, कॉल मी डीजे का सॉरी क्लिप ग्राफिक्स का, कॉल मी डीजे का 2 नंबर या 4 नंबर चूज़ कर ले, 4 नंबर में चूज़ कर लेता हूँ। बट गाइज यहाँ पर आप जो ये 2 नंबर चूज़ किए इसका आप देख सकते हैं फ़ोटो इस तरह एडजस्ट होता है, तो आप रिप्लेस कर लें वरना आपको ये दूसरा अच्छा से सही से जो भी आपको अच्छा लगता है वो इमेज को चूज़ कर ले। तो यहाँ पर मैं कोई दूसरा इमेज को चूज़ कर लेता हूँ लाइक ये वाला, बट यहाँ पर पैन एंड जूम का ऑप्शन पर जाके फ़ोटो को जूम आउट कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह। जूम आउट करने के बाद सेट भी कर लिया और इक्वल का ऑप्शन भी क्लिक करना है। अब देख सकते हैं फ़ोटो इस तरह हो चुका है, थोड़ा राइट की तरफ कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा लेफ्ट की तरफ, अब सही है। इतना करने के बाद आपको वो फ़ोटो पे क्लिक करना है, देन लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और गाइज आपको एक मतलब शैडो टाइप का फ़ोटो मिल जाएगा, वो फ़ोटो को इंपोर्ट कर लें, देन उसका ड्यूरेशन को एंड तक कर दें और इस तरह उसे बड़ा कर लें और नीचे पे इस तरह हाइड कर लें। अब यहाँ पर लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक करें और आपको ये टेक्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसी टाइम से इंपोर्ट करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाएँ और स्क्रीन कर लें और उसका टाइमिंग को भी आप यहाँ पर ड्रैग करके एंड तक कर लें और उसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पर सेट कर लें। इस तरह सेट करने के बाद आपको यहाँ पर उसी टाइम से
सिंपली आपको और एक पार्टिकल वीडियो को इम्पोर्ट करना है, तो आप वो पार्टिकल वीडियो को भी इम्पोर्ट कर लें। तो फिलहाल मैं ये वाला पार्टिकल वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फिट कर लें, और यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाना है आप सभी को, और स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसी टाइम से और एक बॉर्डर को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाला बॉर्डर को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब बॉर्डर को आप क्या करें, उसका भी ड्यूरेशन को एंड तक कर दें, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फिट कर लें, और नीचे पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाएं, बट ओवरले पे क्लिक करें। तो ओवरले पे मैं क्लिक किया, और यहाँ पर कॉल मी डीजे बिटसिंग एप्लीकेशन से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो वीडियो है बन के रेडी हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। बट गाइज इसका ऑडियो आप म्यूट कर लें इस तरह। Ash has speaker too. You have?